हे एवरीवन हाउ आर यू गाइस डूइंग आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो प्रीवियसली वी वर लर्निंग अबाउट द एडजेक्टिव्स राइट सो आज हम बाकी के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम कवर क्या क्या करने वाले हैं सो दीज आर द्री थ्री थिंग्स जो आज हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट है हमारा प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स प्लेसमेंट ऑफ एजेक्टिव हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था उससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स है उसको आज जो है रिजॉल्व किया जाएगा सेकेंड इज डिग्री ऑफ़ एडजेक्टिव डिग्री ऑफ़ एडजेक्टिव से रिलेटेड जो है आपको और इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रूल्स फॉर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव सो जितने भी हमने डिग्रीज सीखी हैं एडजेक्टिव की इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कहाँ पर इनको आप किस तरीके से प्लेस करेंगे सो so वो आज आप जानने वाले हैं ठीक है सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने होमवर्क पर राइट सो प्रीवियस सेशन में एक होमवर्क आपको दिया गया था जिसमें जो है आपको आंसर सही बताना था इन क्वेश्चन का ठीक है सो क्वेश्चन क्या था हमारा आइडेंटिफाई द केसेस ऑफ एजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस में जो है आपको बताना था क्या कि एडजेक्टिव कौन सा है और उसका केस बताना है राइट सो so, हमने सीखा था केसेस जो है वो दो होते हैं राइट फर्स्ट वन इज योर एट्रीब्यूटिव एंड सेकेंड वन इज योर प्रेडिकेटिव राइट यही हमने सीखा था तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको बताना है कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है सो फर्स्ट वन इज द गर्ल यू आर टॉकिंग टू इज इनसेंट क्या है इनसेंट इनसेंट यहां पर क्या है दैट इज एडजेक्टिव ठीक है ये एक एडजेक्टिव है अब बताना है कि ये प्रेडिकेटिव है या एट्रीब्यूटिव है ठीक है so, सो हम देख लेते हैं नाउन और प्रोनाउन नाउन कौन कौन सा है हमारा ये है प्रोनाउन हमारा है यू व टॉकिंग टू क्या है वर्ब है उसके बाद कोई भी जो है आपको नाउन या प्रोनाउन नजर नहीं आ रहा है ठीक है सो नाउन एंड प्रोनाउन के बाद में ये एडजेक्टिव आ रहा है राइट नाउन एंड प्रोनाउन के बाद में ये एडजेक्टिव आ रहा है सो so, बाद में आने वाला कौन सा होता है आपका प्रेडिकेटिव केस होता है कौन सा होता है प्रेडिकेटिव केस सो so, ये आपको प्रेडिकेटिव केस है एडजेक्टिव का नेक्स्ट इज शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल इंटेलिजेंट अगैन यहां पर क्या है दैट इज एन एजेक्टिव शी जो है यहां पर प्रोनाउन है गर्ल यहां पर नाउन है so, अगर हम प्रोनाउन के रिलेशन में अगर देखें सो प्रोनाउन के रिलेशन में ये जो आपका एजेक्टिव है ये क्या है प्रेडिकेटिव है कौन सा है ये प्रेडिकेटिव ठीक है ये आगे आ रहा है सो एट्रीब्यूटिव ठीक है एट्रीब्यूटिव केस है नेक्स्ट है राइट द कंपेरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर द वर्ड यूनिक सो यूनिक वर्ड के लिए आपको जो है कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है ठीक है सो हम कंपेरेटिव डिग्री में क्या करते हैं या तो हम ई er आर लगा देते हैं या फिर मोर लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल फास्ट फास्टर ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल ठीक है सो यूनिक के लिए क्या होगा यूनिक के लिए क्या होगा ब्यूटिफुल जैसे वर्ड था जैसे हम एग्जाम्पल अगर ले लास्ट ब्यूटिफुल जो वर्ड है आपका और एक और वर्ड था करेजियस ठीक है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है इसका कंपेरिटिव हमें लिखना है और सुपरलेटिव ठीक है सो so ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल वर्ड एंड करेजिस के लिए जो है आपको लिखना है सो so, अगर आप इन वर्ड्स को देखें इन वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें सो so ये दो वर्ड्स से बना हुआ है ठीक है कौन कौन से? फर्स्ट अगर आप यहाँ देखें तो ब्यूटी प्लस फुल से ब्यूटीफुल बनाए ठीक है ठीके? करेज प्लस अस से जो है आपका करेजियस वर्ड बना है राइट right? सो so, ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स को जो है हम कभी भी ई er आर या फिर ई एस टी से कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे ठीक है सो इस केस में क्या हो जाएगा इस केस में यह होगा कि ब्यूटीफुल जो है वो क्या बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है कारेज वर्ड जो होगा दैट वुड बी मोर कारेजियस And most courageous, ठीक है अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जिसमें क्या पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि आप यूनिक वर्ड के लिए क्या लिखेंगे यूनिक वर्ड के लिए आप क्या लिखेंगे ठीक है क्या ये बनेगा यूनिकर यूनिकेस्ट या फिर मोर यूनिक मोस्ट यूनिक अगर आप देखें, जो ये वर्ड यूनिक है यूनिक का मतलब क्या होता है ठीक है यूनिक वर्ड का मतलब क्या होता है सबसे अलग राइट जैसे हम बोले कि सबसे यूनिक है सबसे अलग है सो so, इसमें यहां कंपैरिजन किससे हो रहा है काफी सारी पर्सन से या काफ़ी सारी चीजों से ठीक है सो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं अपने आप में ही एक सुपरलेटिव डिग्री होते हैं ठीक है सो यूनिक वर्ड जो है अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है सो सुपरलेटिव डिग्री को फर्दर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे नहीं हो पाएगा ठीक है सो इस वर्ड का यूनिक का कोई भी डिग्री नहीं होती है कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है एक सुपरलेटिव डिग्री है ठीक है आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं सो प्रीवियसली वी लर्न अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स राइट जिसमें मैंने बताया था कि जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज्रेक्टिव हैं उनको एक ऑर्डर में जो है लिखा जाता है एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है जैसे कि वर्ड ऑफ ऑर्डर में हमें पता है दैट सबसे पहले सब्जेक्ट आता है देन कम्स द वर्ब एंड देन उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है राइट right? एडजेक्टिव्स के केस में जो है थोड़ा सा चेंज होगा और चेंज क्या है दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव्स अब एडजेक्टिव बहुत तरह के होते हैं कोई उसके शेप पर होगा कि आ, ये छोटा है ये बड़ा है या उसके साइज पर होगा उसकी शेप कैसी है ओवल है क्यूबॉइडल है राइट पेन है इसका कलर कुछ और है सो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेक्टिव है राइट सो वी हैव टू फॉलो ये एक रूल आ जाता है आपका फॉर द प्लेसमेंट ऑफ एजेक्टिव दैट वी हैव टू फॉलो

राइट right? और सास कॉम्प मैंने बताया था बट वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग uh, था कैसे ठीक है अब कन्फ्यूजन ये थी कि एस को जो है साइज एंड एक और एस जो है यहां पर आ रहा है रिपीट हो रहा है ठीक है एंड शेप ठीक है, साइज एंड शेप दो फैक्टर्स मैंने बताए थे ठीक है सो कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि साइज पहले आएगा या शेप आएगा सो so इस कन्फ्यूजन को कर्प करने के लिए इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं और मॉडिफाई हम कैसे करेंगे सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं पहले आएगा ओ D C. ठीक है सो यह मैंने आपको सीक्वेंस बताया था दैट वॉज ओ सैस कॉम्प अब जो एस है जो सेकेंड लेटर है उसको कन्वर्ट कर दो डी में क्यों बताती हूँ ठीक है आपका जो सीक्वेंस रहेगा दैट वुड बी ओ स्टैंड फॉर ओपिनियन ठीक है डी स्टैंडस फॉर डायमेंशन अब डायमेंशन का मतलब क्या हो गया साइज छोटा है बड़ा है ठीक है मेजरमेंट नेक्स्ट है एज देन शेप ठीक है देन कलर देन ओरिजिन मटीरियल एंड पी फॉर पर्पस ठीक है सो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो पैटर्न आ रहा है वो क्या होगा दैट वुड बी और जिनके एग्जांपल्स जो है मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी दिए थे राइट सो so, आगे चलते हैं नेक्स्ट इज द डिग्रीज ऑफ सो प्रीवियस सेशन में हमने एजेक्टिव की कुछ डिग्री भी सीखी थी राइट right? तीन हमारी जो है डिग्री होती है कौन कौन सी दैट इज पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव राइट सबसे पहले क्या आता है पॉजिटिव देन आता है आपका कंपेरेटिव ठीक है सुपरलेटिव तीन ये आपकी डिग्रीज होती है राइट ठीक है सो पॉजिटिव डिग्री में मैंने क्या बताया था पॉजिटिव डिग्री में जो है आप एक पर्सन का क्वालिटी को बताते हैं ठीक है पहला जो केस होता है पहला जो केस होता है इसमें इज कि आप एक पर्सन की एक पर्सन की एक पर्सन को क्वालिफाई करते हैं या एक चीज को आप क्वालिफाई करते हैं यहां पर क्या हो सकता है नाउन या प्रोनाउन ठीक है जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उसकी क्वालिटी को बताते हैं तो आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं ठीक है ये था बताया था अनकम्पेरेटिव डिग्री के केस में क्या हो जाता है आप एक चीज का कंपैरिजन करते हैं दूसरी चीज के साथ ठीक है एक चीज़ का कंपैरिजन करते हैं आप दूसरी चीज़ के साथ ठीक है अब इसमें क्या होता है पॉजिटिव डिग्री में जो है आपका एडजेक्टिव वो चेंज नहीं होता है यहाँ पर आकर थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है दैट इज़ इसमें या तो ई ER आर लगता है या फिर मोर लगता है राइट और इनके साथ में आपको दान वर्ड का यूज़ भी दिखेगा ठीक है सो जहाँ पर भी अगर दान वर्ड आपको दिख जाता है तो समझ जाइए कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है ठीक है कंपैरिजन को शो करने के लिए ही कंपैरिजन को शो करने के लिए ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है ठीक है अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है एक चीज का काफी चीज के साथ जो है कम कंपैरिजन होता है ठीक है कंपैरिजन होता है और उसमें एक चीज को जो है सुप्रीम बताया जाता है क्या बताया जाता है सुप्रीम सो so, किसी चीज़ की सुप्रीमिटी किसी चीज़ की सुप्रीमिटी को बताने के लिए आप सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं ठीक है नाम से ही इनके पता चल रहा है कंपैरेटिव में क्या होता है कंपैरिजन करते हैं सुपरलेटिव में आप किसी एक चीज़ की सुप्रीमिटी बताते हैं कि ये चीज़ जो है बेस्ट है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आप ई एस टी को जो है ऐड कर देते हैं उन ऑब्जेक्टिव में जिसमें जो वर्ड्स हैं वो कंबाइन होकर नहीं बनते हैं ठीक है अब अगर आपके पास ऐसा एडजेक्टिव है जो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है तो so उस केस में आप क्या यूज़ करते हैं मोर वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है चेके? और यहाँ पर जैसे कि दान वर्ड का आपको दिखा है इंक्लूजन इस केस में क्या होगा दो वर्ड जो है इंक्लूडेड रहेगा ठीक है इतना क्लियर है राइट सो पॉजिटिव डिग्री में एक और चीज़ मैंने बताई थी ठीक है जो हो जाता है आपका केस टू इसमें जिसमें क्या था कि मैंने आपको एज डैश आस एंड सो डैश आज के बारे में बताया था राइट ठीक है सो एज के केस में मैंने बताया था कि आप यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव केस में जो है इसे यूज़ करते हैं ठीक है पॉजिटिव में बट सिर्फ पॉजिटिव में ही नहीं नेगेटिव में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और जो सो so, एज़ है ये हमेशा नेगेटिव केस में ही यूज़ होगा ठीक है और इसमें क्या होता है एक चीज को एक चीज़ को दूसरे चीज के इक्वल या फिर एक चीज़ को दूसरे चीज़ के अनईक्वल दिखाया जाता है ठीक है एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको ठीक है क्वेश्चन है हमारे पास शी इज एज beautiful as a princess it is as cold as ice okay he is so bitter as नीम ठीक है और हम लेते हैं हार्ट हर हार्ट इज एज शी इज सो स्वीट एज शुगर ठीक है अब इनसे जो है हम समझते हैं इन केसेस को ठीक so, है सो फर्स्ट so, आपका सेंटेंस है शी इज एज ब्यूटिफुल एज प्रिंसेस ठीक है सो यहां पर एज एंड ब्यूटिफुल आपका एट्रेक्टिव हो गया है एंड आज यूज किया गया है ठीक है सो इस सेंटेंस की अगर आप सेंस को देखें तो क्या है दैट इज पॉजिटिव ठीक है अच्छा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है ठीक है नेक्स्ट है एज कोल्ड कोल्ड जो है यहां पर आपका क्या हुआ एडजेक्टिव हो गया ठीक है एज कोल्ड एज मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा रूड है ठीक है ही इज एज कोल्ड एज आइस ठीक है सो इसका मतलब क्या हुआ ठीक है सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंस में है ठीक है अब नेगेटिव सेंस के लिए आप एज डैश एज का यूज कर सकते हैं ठीक है सो so ये आपका सेंटेंस जो है करेक्ट है सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट नेक्स्ट देखिए ही इज सो बेटर एज नीम सो मीनिंग क्या है नेगेटिव है उस पर्सन के नेगेटिव एस्पेक्ट को बताया गया है दैट इज कि वो रूड है राइट नेगेटिव है सो so, नेगेटिव के केस में आप सो डैश एस यूज कर सकते हैं ठीक है थर्ड सेंटेंस भी आपका करेक्ट है अब लास्ट पे अगर अगर हम अगर हम आए सो शी इज़ सो स्वीट एज शुगर ठीक है यहाँ पर सो so एज का यूज़ किया गया है स्वीट वर्ड जो है यहाँ यूज़ किया गया है जो कि इस सेंटेंस की पॉजिटिव सेंस को एक्सप्लेन कर रहा है बट पॉजिटिव केस में आप कभी भी सो so वर्ड नहीं लगाएंगे यहाँ पर क्या आना चाहिए एज ठीक है तभी जो है आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा नहीं तो गलत हो जाएगा ठीक है आई होप सबको जो है ये समझ में आ गया होगा केस ठीक है आगे चलते हैं एक क्वेश्चन जो है ये मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था ठीक है इसको थोड़ा सा जो है और हम समझ लेते हैं ठीक है so, सो यहां सेंटेंस देखिए क्या है यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड ठीक है यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड एंड नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ठीक है दोनों सेंटेंसेस को अगर हम देखें दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा कॉमनली जिसे हम बोलते हैं बहुत बार बोला जाता है कि ये पर्सन मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये पर्सन जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरी बेस्ट फ्रेंड है राइट सो so, एग्जैक्टली exactly हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड राइट सो दोनों में से करेक्ट क्या है या फिर जो हम इतने टाइम से बोलते आ रहे हैं क्या वो गलत है नहीं वो करेक्ट है ठीक है ये सेंटेंस जो है आपका करेक्ट है राइट right? बट अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर अगर आप देखें बेस्ट क्या है एडजेक्टिव है आपका दैट इज गुड बेटर एंड बेस्ट ठीक है अब सुपरलेटिव डिग्री में मैंने बताया था दैट सुपरलेटिव डिग्री में आप दो वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है सुपरलेटिव डिग्री में आप दो वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है so सो फिर तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपका ये सेंटेंस जो है करेक्ट होना चाहिए ठीक है गलत कैसे होगा पहले तो ये समझ लो कि ये सेंटेंस जो है आपका गलत है क्यों सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं पहले ठीक है लेट्स आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट वी हैव इन दिस सेंटेंस ठीक है पहला क्या है आपका यू दट इज अ प्रोनाउन राइट यू आपका क्या होता है प्रोनाउन होता है ठीक है यू आर माई माई क्या है माई क्या है हमने प्रोनाउंस में सीखा था माई एंड माइंड माए आपका क्या होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और माइन क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन ठीक है सो ये पॉजिटिव केस है यहाँ पर एडजेक्टिव का राइट right, ठीक है नेक्स्ट दो आर्टिकल है बेस्ट इज अगेन एन एडजेक्टिव ठीक है फ्रेंड जो है यहाँ पर आपका नाउन है ठीक है सो ध्यान से देखना है इस सेंटेंस को यहाँ पर पॉजिटिव केस जो है लगाया गया है एडजेक्टिव का ठीक है so, सो इधर से ही जो है आपका रूल आ जाता है और वो रूल आपका क्या कहता है दैट इज नेवर यूज द आर्टिकल द ठीक है कभी भी आर्टिकल द आप यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन है भाई क्यों नहीं कर सकते बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे क्यों वेन द पॉजिटिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है ठीक है नाउन और प्रोनाउन का पजिटिव केस पॉजिटिव जो है वो किसको दिखा रहा है आपका यहाँ पर जो नाउन है दाटर्स फ्रेंड ठीक है तो उसका पोजिशन दिखा रहा है ठीक है इस प्रेजेंट इन द सेंटेंस ठीक है सो आ जाते हैं अपने सेंटेंस पर क्या कहा उसने ये कहा कि जब भी आपका पजेसिव केस होगा ठीक है ये अकेला पजेसिव एडजेक्टिव है इसके साथ ये जुड़ा ठीक है ये पूरा पॉजिटिव आपका क्या हुआ नाउन हुआ ठीक है पजेसिव नाउन के पहले हमने एडजेक्टिव लगाया ठीक है सो हम आर्टिकल दो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो आपका नाउन है दैट इज़ इस फ्रेंड इसको पूरा अगर हम देखें बेस्ट फ्रेंड एडजेक्टिव है फ्रेंड की ही क्वालिटी बताई गई है बात किसकी हो रही है फ्रेंड सो फ्रेंड का यहाँ पर पॉजिटिव केस है ठीक है फ्रेंड का यहाँ पर पॉजिटिव केस है सो so, मतलब ये आपका पजिटिव नाउन बन गया राइट ठीक है सो पॉजिटिव नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल द का आप यूज नहीं करते हैं. अगर सुपरलेटिव डिग्री दी भी हो तो ठीक है सो एज पर द रूल आपका जो सेंटेंस है दैट इज करेक्ट ठीक है सो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है आपके क्वेश्चन में सो so, ये देखें कि जो नाउन है वो पॉजिटिव केस में है या नहीं है ठीक है सो पॉजिटिव केस है ये इसका ठीक है पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया गया है सो इन दैट केस वी डू नॉट यूज द आर्टिकल द ठीक है क्लियर होगा नेक्स्ट अब इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लीजिए द स्टारी नाइट वेंसेंट वन गॉग्स द ग्रेटेस्ट पेंटिंग ठीक है स्टारी नाइट जो है बहुत पॉपुलर हुआ था ठीक है पेंटिंग आप इसको देख भी सकते हैं जाकर सो स्टारी नाइट यहाँ पर क्या है टाटस एंड आउट ठीक है अब यहाँ पर इस जो है यूज किया गया है बिकॉज़ नाउन में हमने समझा था कि टाइटल अगर किसी चीज का होता है किसी आर्ट ऑफ वर्क वर्क ऑफ आर्ट का तो so उसके लिए आप हमेशा सिंगुलर नाउन जो है सिंगुलर uh, वर्ब जो है आप यूज करते हैं ठीक है अब विंसेंट गॉग, विंसेंट वैन गॉग का पोजेशन जो है इसमें बताया गया है किस पर पेंटिंग पर ठीक है विंसेंट वैन वॉक का यहाँ पर पोजेशन दिखाया गया है उसकी पेंटिंग पर जिसका नाम क्या है स्टारी नाइट ठीक है अब यहां आप देखिए ग्रेटेस्ट पेंटिंग यहां सुपरलेटिव डिग्री आपका क्या है ग्रेटेस्ट सो रूल क्या बोलता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे अगर आपका नाउन कैसा है पॉजिटिव केस में है ठीक है सो यहां पर दो वर्ड जो है नहीं आएगा ठीक है पॉजिटिव केस में क्या होता है सुपर डिग्री से पहले आप कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे ठीक है आगे चलते हैं सो so, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रितिका इज टॉल टॉलर टॉलेस्ट दैन आशीष सो करेक्ट आंसर इसमें जो है आपको बताना है टॉल टॉलर और टॉलेस्ट ठीक है पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी दैट दान वर्ड अब दान वर्ड है तो दैट यहां पर कंपेरेटिव डिग्री आपको लगाना है सो कंपेरेटिव डिग्री आपका क्या होता है टॉल टॉलर टॉलेस्ट जिसमें लास्ट में क्या हो ई er आर आया हो सो so, टॉलर जो है यहां पर करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस, आ, रितिका इज रितिका इज प्रेटी प्रेटियर और प्रेटियस्ट दान इंटेलिजेंट ठीक है सो यहां पर क्या आंसर आना चाहिए दान वर्ड को आपने देखा सो कंपेरेटिव डिग्री सो प्रिटियर आएगा क्या ये करेक्ट है क्या ये करेक्ट है रितिका के साथ जो है यहां पर कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है फर्स्ट केस में क्या हो रहा था आशीष का और रितिका का दैट इज एक नाउन का कंपैरिजन हो रहा था दूसरे नाउन से राइट right? बट इस केस में क्या है इस केस में क्या है प्रिटी प्रिटी क्या है एक क्वालिटी है राइट right? क्वालिटी है और दूसरी क्वालिटी है यहां पर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट ठीक है सो इंटेलिजेंट जो है यहां पर नाउन नहीं है ठीक है क्या है ये एडजेक्टिव है सो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है फर्स्ट केस में आपके नाउन्स का कंपैरिजन हो रहा है सेकंड केस में आपके एडजेक्टिव्स का हो रहा है ठीक है ठीक है, so, यहां से आपका जो है एक रूल आ जाता है और ये रूल क्या कहता है केस ऑफ कंपेरिजन बिटवीन टू नाउंस जब आपका कंपेरिजन हो रहा हो दो नाउंस में लास्ट जैसे सेंटेंस पर अगर हम जाए ऋतिका आपका जो है एक नाउन हो गया दूसरा नाउन है आपका आशीष दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है राइट सो so, जब ऐसा केस आपका बनता है जब दो नाउंस का या फिर दो प्रोनाउंस का कंपैरिजन अगर हो रहा हो किसी भी सेंटेंस में सो so वहाँ पर आप पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं ठीक है ठीके? क्या लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री उसके साथ में या तो ई होगा या फिर मोर यूज होगा ठीक है सो फर्स्ट क्या था टॉल Tall, टॉलर जो है यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अगर कोई और वर्ड होता करेजियस वर्ड होता या ब्रेव वर्ड होता ठीक है so, सो उस केस में आप क्या करते मोर करेजियस दान आशीष जो है आंसर अपना लिखते ठीक है बट सेकेंड केस में क्या होगा केस में भी जान लेते हैं इन द केस ऑफ कंपेरिजन बिटवीन टू एजेक्टिव जब कंपेरिजन आपका हो रहा हो दो एजेक्टिव के बीच में ठीक है सेंटेंस आपका क्या था प्रिटी एक एडजेक्टिव है उसका कंपेरिजन जो है इंटेलिजेंट दूसरी के साथ कंपेरिजन हो रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे उस केस में आप more जो है एक पॉजिटिव डिग्री के पहले लिख देंगे ठीक है पॉजिटिव डिग्री के पहले आप क्या लिखेंगे मोर लिखेंगे ठीक है so, सो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दैट वुड बी मोर प्रिटी ठीक है सो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा यहां पर आंसर आपका क्या आना चाहिए मोर प्रिटी ठीक है सो रितिका इज मोर प्रिटी दैन इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट जो है कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है नाउन या प्रोनाउन के केस में आप ई e आर और मोर वाला जो है केस आप फॉलो कर सकते हैं बट इस केस में क्या होगा सिर्फ और सिर्फ आप मोर लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री के साथ ठीक है आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इतना ठीक है सो क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब सेंटेंसेस में जो है आपको एरर बताना है अगर कोई है तो ठीक है फर्स्ट इज प्रीति हैज बिग अपार्टमेंट दान श्रुति ठीक है प्रीति हैज बिग अपार्टमेंट दान श्रुति सो यहां पर जो है कंपैरिजन हो रहा है किसका प्रीति के अपार्टमेंट का श्रुति के अपार्टमेंट से कंपैरिजन हो रहा है ठीक है बट यहां पर क्या लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ श्रुति लिखा हुआ है राइट सो so यहां पर जो है आंसर क्या हो जाएगा शुरुतिस, दान श्रुतीज ठीक है श्रुतीज अपार्टमेंट ये भी करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट क्या है पारस इज स्मार्टर दैन पंक्चुअल ठीक है पारस इज स्मार्टर देन पंक्चुअल अब स्मार्टनेस जो है आपकी एक क्वालिटी होती है ठीक है दूसरी क्वालिटी है पंक्चुअल ठीक है पंक्चुअलिटी मतलब टाइम पर जो अपने काम कंप्लीट करें उन्हें हम पंक्चुअल बोलते हैं ठीक है सो पंक्चुअल so, एक क्वालिटी है स्मार्ट एक क्वालिटी है जब दो क्वालिटीज का या दो एजेक्टिव का जब कंपेरिजन हो रहा होता है तो आप क्या करते हैं आप पहले वाले एजेक्टिव में पहले वाले एडजेक्टिव में आप मोर वर्ड यूज करते हैं एक पॉजिटिव डिग्री के साथ दैट वुड बी वॉट स्मार्ट ठीक है सो इसको आप पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे सो so, पारस इज मोर स्मार्ट दैन पंक्चुअल पारस जो है पंक्चुअल होने से ज़्यादा स्मार्ट है मतलब वो पंक्चुअल नहीं है पर स्मार्ट है ठीक है आई होप सबको जो है ये क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द जलियाँ वाला बाग मैसा कर इज द मोस्ट अग्लियस्ट इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री ठीक है जलियां वाला बाग मैसेकर के बारे में आपने सुना ही होगा हिस्ट्री में भी जो है इसका डिस्क्रिप्शन था सिलेबस में राइट सो so, जलियां वाला बाग मैसेकर ये पूरा क्या हो गया दैट इज अउन ठीक है नाउन है इज द मोस्ट अग्लियस्ट इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री ठीक है अब मोर एंड मोस्ट का मैंने कुछ केस बत, बताया तो बताया था आपको दैट वॉज कि आप ई ER आर और ई एस टी उन वर्ड्स के साथ नहीं जो है आप ऐड करते हैं जिसमें जो एब्जेक्टिव है वो दो वर्ड से बना हुआ हो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटिफुल या केयरफुल so, ठीक है सो केयर एंड फुल दो अलग अलग वर्ड्स हैं सो उस केस में ही जो है आप मोर या मोस्ट uh, वर्ड जो है ऐड कर सकते हैं और उनके साथ में आप कभी भी ई ER आर या ई एस टी वर्ड यूज नहीं करते हैं ठीक है so, सो यहाँ आप देखिए एरर यहाँ पर क्या है मोस्ट जो है लिखा हुआ है प्लस अगलीएस्ट भी लिखा हुआ है ठीक है ई एस टी भी लिखा हुआ है और मोस्ट भी लिख दिया क्या इसमें ये एरर है एरर है ठीक है So, इसी से जो है आपका दूसरा रूल आ जाता है वो क्या है ठीक है जो रूल आपका है वो क्या कहता है इन सेंटेंस टू डिग्रीज ठीक है कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ठीक है कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री कैन नॉट बी रिटर्न टुगेदर, इट टर्न्स सेंस ऑफ द सेंटेंस सुपर ठीक है सो मतलब ये है कि आप कभी भी दो डिग्रीज को इकट्ठे नहीं लिख सकते हो मोस्ट जो है यहां पर क्या है मोस्ट जो है यहां पर क्या है ये सुपरलेटिव डिग्री है ठीक है मोस्ट के साथ आप क्या लिखते हैं आप अगली लिख सकते हैं ठीक है अगलीएस्ट नहीं लिखेंगे ठीक है so, सो अग्लियस्ट वर्ड जो है सुपरलेटिव डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आप कभी भी कोई और डिग्री या फिर इसकी जगह अगर मोर लिखा होता अगर इसकी जगह मोर लिखा होता तो भी वो गलत हो जाता ठीक है so, सो जब सेंटेंसेस में आपकी दो डिग्रीज लिखी होती हैं इकट्ठे तो वो और ज़्यादा उसको जो है सुपर फ्लूस जो है बना देता है That is, कि वो जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाती है ठीक है so, सो हम मोस्ट अगली बोल सकते हैं या फिर सिर्फ अगलीएस्ट जो है सफिशियंट है सफाई सर राइट सो यहां पर जो है आपका ये एरर है सो so, इस केस में आप इसे क्या लिखेंगे दैट वुड बी मोस्ट अगली ठीक है क्या लिखेंगे मोस्ट अगली ठीक है नेक्स्ट क्या है विराट कोहली हैज मोर हायर स्कोर मोर हायर स्कोरस दैन म ठीक है अब यहां देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है मोर हायर ठीक है क्या है मोर हायर अब हाई हायर हाइस्ट होता है ठीक है इसके साथ में मोर जो है लगाने की जरूरत नहीं है सो आपने क्या करा है एक कंपेरेटिव डिग्री के साथ दूसरी कंपेरेटिव डिग्री आपने लगा दी सो दैट इज इनकरेक्ट ठीक है रूल हमारा यही बोल रहा है कि इनकरेक्ट हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा आप हायर नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे या मोर हायर मोर हाई जो है आ, सही नहीं बैठ रहे, बैठ रहे हैं तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं हायर ठीक है हायर लिख सकते हैं ठीक है चेके? या मोर हाई वैसे यूज तो नहीं करना चाहिए बट हायर जो है ये सही है ठीक है so, सो ये फिट बैठता है नेक्स्ट आगे चलते हैं द डिश ऑफ़ आर रेस्ट्रा द डिश ऑफ आर रेस्ट्रा इज़ और आर बेटर देन ऑल द रेस्ट्रोस ठीक है the dishes of restaurant, the dishes of restaurant the ये क्वेश्चन है द डिश ऑफ़ रेस्ट्रा रेस्ट्रा होता है ना कि रेस्टोरेंट वर्ड्स मतलब देखें तो पढ़े तो ये वही लग रहा है रेस्ट और एंट ठीक है गलत है क्या होगा रेस्ट्रा सो द डिशेज ऑफ आर रेस्टोर इज़ और आर बेटर दैन ऑल द रेस्टोर ठीक है दान मतलब क्या है यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ क्या हुआ है राइट right? यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ठीक है कंपैरिजन किस चीज़ का हो रहा है आपको ये भी देखना है क्या एक रेस्टोरों का दूसरे रेस्टोरों के साथ यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है नहीं यहाँ पर बात हो रही है कि जो डिशेज है डिशेज है इस रेस्टोरेंट की सो so हम मान लेते हैं डिशेस ऑफ आर वन ठीक है रेस्टोरेंट वन इज बेटर देन डिशेस ऑफ एनी जो भी है रेस्टोरेंट, ऑल अदर रेस्टोरेंट आर वन आर थ्री आर फोर जितने भी दूसरे रेस्टोरेंट हैं उनकी डिशेज़ से बेटर क्या है इस रेस्टोरेंट की डिश है ठीक है so, सो मतलब यहाँ क्या हो रहा है कलेक्टिवली बाकी जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनका यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है अब कई जो है ये देख लेते हैं कि रेस्टोरेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है रेस्टोरेंट मतलब एक चीज़ का अगर काफ़ी सारी चीज़ों के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो वो सुपरलेटिव होना चाहिए राइट यही समझोगे बट ये इनकरेक्ट है मैंने इतनी बार बोला है कि सेंटेंसेस का मीनिंग आपको समझना सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर मत जाइए, ठीक है so, सो आप सोच रहे होगे कि एक रेस्टोरेंट का दूसरे रेस्टोरेंट के साथ कंपैरिजन हो रहा है सो so, ये तो सुपरलेटिव होना चाहिए ठीक है सुपरलेटिव होना चाहिए सो so, बच्चे क्या करते हैं यहां पे करेक्ट कर देते हैं बेस्ट लिख के बेस्ट फ्रॉम ऑल द रेस्टोरेंट ठीक है best गलत है कंपेरेटिव यहाँ पर जो है यूज़ होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है कलेक्टिवली जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनकी डिशेस को अगर एक तरफ रख दें और इस रेस्टोरेंट की डिश को अगर एक तरफ रख दें तो कम्पेरिजन हो रहा है ठीक है सो यहाँ पर कम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है राइट सो so, यहाँ पर बेटर देन ठीक है अब रेस्टोरेंट डिश क्या है आपका डिशेज़ क्या है प्लूरल रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही किसकी हो रही है डिशेज़ की अब अगर आप रेस्ट्रों को कंपेयर करेंगे तो आंसर आप लिख देंगे इस बट यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर क्या आना चाहिए आर आना चाहिए ठीक है क्लियर हो गया होगा इतना ठीक है सो अब इससे जो है एक रूल जो है निकल कर आता है और वो रूल क्या है ज़रा हम जान लेते हैं कि जब कंपैरिजन आप कर रहे होते हो ठीक है कंपैरिजन हो रहा है अगर वहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों का तो आप कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे अगर एक चीज़ का काफ़ी सारी चीज़ों के साथ अगर कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव आप लगाएंगे ठीक है बट हमारा जो सेंडेंस है उसमें क्या है कंपैरिजन हो रहा है तो हम कंपेरेटिव डिग्री को फॉलो करेंगे ठीक है सो कंपेरेटिव डिग्री के केस में हमने सीखा दैट हम क्या करते हैं ई आर यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? और दान वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल बेटर देन या मोर ब्यूटिफुल दैन ठीक है राइट बट एक चीज और इसमें ऐड हो जाती है दैट इज आप अगर बेस देखें यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट की डिशेस के साथ कंपैरिजन हो रहे है ठीक है सो एक तरीके से जो बेस है आपके सब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ पर एग्जैक्टली exactly आपका क्या है दैट इज रेस्टोरेंट ठीक है क्या है रेस्टोरेंट ठीक है सो रेस्टोरेंट यहां पर क्या है एक चीज का कंपैरिजन कलेक्टिवली काफी सारी चीजों के साथ हो रहा है ठीक है सो उस केस में आप क्या करते हैं उस केस में आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और उससे पहले आप क्या लिखेंगे एनी अदर ठीक है जो भी नाउन है ठीक है सो एनी अदर आप यूज करेंगे नाउन से पहले ठीक है सो नाउन आपका जो है आप अगर देखें बेटर बेटर देन ठीक है बेटर देन प्लस मतलब बेटर देन के बाद ये वर्ड आएगा बेटर देन ऑल द रेस्टोर रेस्टोरेंट्स नहीं आएगा क्या आएगा यहां पर आपका आंसर होगा एनी अदर रेस्टोरेंट आई होप समझ में आया होगा यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे रेस्ट्रां को इकट्ठे किया हुआ है और एक चीज़ का यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ठीक है डिशेस का एक चीज़ का जो है काफ़ी सारी चीज़ों के साथ कलेक्टिवली कंपेयर किया जा रहा है सो so, ऐसे केस में आप क्या करते हैं ऐसे केस में जहाँ पर भी आप बेटर देन लगा रहे हैं ठीक है इट इज़ बेटर देन या मोर बेटर देन ठीक है सो दान वर्ड के बाद में आप क्या लिखेंगे एनी अदर लिखेंगे ठीक है किसके केस में कंपेरेटिव डिग्री के के केस में ये जो क्वेश्चन है आपका कंपेरेटिव केस का है ठीक है सो कंपेरेटिव केस में आप क्या करेंगे एनी अदर जो है यहां पर लिख देंगे ठीक है अब आगे चलते हैं ये था आपका कंपेरेटिव केस में सुपरलेटिव पर आते सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं ई एस टी और दान यूज करते हैं क्या यहाँ पे दान नहीं होगा क्या होगा दो ठीक है आई होप ये दिख रहा होगा नहीं दिख रहा ठीक है इसको करते हैं करेक्ट सो यहां पर हम्म ठीक है यहां पर दान नहीं आएगा क्या आएगा यहां पर दाट आएगा ठीक है सो सुपरलेटिव डिग्री के केस में आप क्या करेंगे अगलीएस्ट नहीं ये करेक्ट है ठीक है सो सुपरलेटिव डिग्री के केस में दाटस अगर यहां पर हो बेस्ट बेस्ट अगर लिखा हुआ हो बेस्ट दान अगर रेस्टोरेंट या जो भी है ठीक है so, सो सुपरलेटिव के केस में क्या होगा बेस्ट दैन दैन के बाद में जो वर्ड आएगा दैट वुड बी ऑल द एंड अ प्लूरल नाउन ठीक है सो सुपरलेटिव डिग्री के केस में आपका क्या होना चाहिए आपका नाउन जो है प्लूरल होना चाहिए जहाँ पर भी आप लिख रहे हैं जैसे अग्लियस्ट दैन ठीक है सो ऑल द जो भी आपका प्लूरल नाउन होगा फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स ठीक है सो दिस स्कूल इज अगलीएस्ट दान दर स्कूल्स ठीक है ऐसे करके लिख सकते हैं ठीक है सो याद अब हमेशा आपको रखना है कि जब कम्पेरेटिव डिग्री को आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें जो भी आपने कंपेरेटिव डिग्री लगाई है ठीक है दान वर्ड होगा दान वर्ड के बाद में आप एनी अदर और उसके साथ में सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्या बोला हमने एनी अदर और साथ में सिंगुलर नाउन सो so, यहाँ पर आपका रेस्ट्रां नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए यहां आपका आना चाहिए रेस्ट्रां रेस्टोरेंट्स नहीं होगा क्या होगा ठीक है सो ये क्वेश्चन क्या हुआ दैट इज द डिशेस ऑफ आर रेस्ट्रां आर बेटर देन एनी अदर रेस्ट्रां ठीक है ये हो गया आगे चलते हैं अब इसी रूल में एक और पार्ट जो है इंक्लूड <coughs> हो जाता है और वो क्या है उससे हम पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं ठीक so है सो क्वेश्चन है द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर ऑफ एनी अदर स्काई स्क्रैपर्स ठीक है सो यहाँ क्या लिखा गया है बुर्ज खलीफा जो है टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर है ठीक है उसका कंपैरिजन किया गया है काफ़ी सारे कंपे स्काई स्क्रेपर्स के साथ ठीक है सो टॉलेस्ट मतलब क्या हुआ यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है ठीक है सुपरलेटिव डिग्री है सो सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करते हैं आप ऑल द का यूज करते हैं ठीक है एनी अदर जो है आपका किस केस में होता है एनी अदर आपका होता है कंपेरेटिव डिग्री के केस में ठीक है सो सुपरलेटिव डिग्री के केस में एनी अदर नहीं होगा क्या होगा ऑल द ठीक है अब समझ में आया कि सुपरलेटिव डिग्री का जो हमने रूल समझा उसका क्या इंप्लीमेंटेशन है ठीक है so, सो यहां इस तरीके से आप इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है सो सुपरलेटिव डिग्री है आपका केस सो so उसमें आप क्या करते हैं एनी अदर नहीं यूज करेंगे क्या करेंगे ऑल द एंड प्लूरल आपका नाउन होना चाहिए सो so, ये नाउन जो है क्या है प्लूरल है सो दिस क्वेश्चन इज नाउ करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़र्रारी इज फास्टर देन ऑल द कार्स, ठीक है फास्टर जो है कंपेरेटिव डिग्री को बता रहा है ठीक है कंपेरेटिव डिग्री है यहाँ पर अब कंपेरेटिव डिग्री के केस में क्या होता है आप ई आर दैन के बाद में ऑल द नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे एनी अदर और सिंगुलर नाउन आप लगाएंगे प्लूरल नाउन नहीं होगा क्या होगा सिंगुलर नाउन कार हो जाएगा ठीक है क्लियर हुआ इतना ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे इसी रूल का जो है एक और पार्ट आ जाता है जो क्या कहता है कि जब आप सब्जेक्ट्स के बेसिस को अगर कंपेयर करते हैं अगर हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर जाएं, इधर अगर हम जाएं, सो so यहाँ पर एक रेस्टोरेंट की डिशेस का दूसरी रेस्टोरेंट के डिशेस के साथ कंपैरिजन हो रहा है, राइट right? सब्जेक्ट आपका क्या है सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर रेस्टोरेंट है ठीक है तो रेस्टोरेंट बट उनकी डिशेस उनका बेस क्या है यहाँ पर बेसिस क्या है आपका कंपैरिजन का डाटस डिशेस रेस्टोरेंट का आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा है उसकी डिशेस का हो रहा है ठीक है सो उस केस में एक रूल आपका होता है फॉलो और वो क्या है ठीक है सो रूल क्या है उसको पहले जानने से पहले क्वेश्चन में और जो है हम एरर ढूंढ लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है द डिशेज ऑफ आर रेस्ट्रां आर बेटर देन एनी अदर रेस्टोर So, यहां आप बेसिकली अगर आप देखें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट मैंशन है दैट इज के यहां पर डिशेज वर्ड भी आना चाहिए सो so, इस सेंटेंस को क्या हम ये लिख सकते हैं द डिशेज ऑफ आर रेस्ट्रां आर बेटर दान दान वर्ड के बाद से दान द डिशेज ऑफ any other रेस्टोर ठीक है द डिश ऑफ आर रेस्टोरेंट इज बेटर देन द डिशेज ऑफ एनी अदर रेस्टोरेंट करेक्शन ये होना चाहिए राइट right? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट वर्ड का एडिशन है अब यहीं से जो है आपका रूल जो है वो क्या है रूल बोलता है कि जब आप बेसिस का कंपैरिजन करते हैं जब आप सब्जेक्ट्स के बेसिस का कंपैरिजन करते हैं तो रिपिटिशन ऑफ द बेसिस इज नॉट अलाउड मतलब जो आपका बेस है जिसे आप कंपेयर कर रहे हो उसे आप रिपीट नहीं करोगे दैट इज़ की जो हमने आंसर यहाँ लिखा है द डिशेस ऑफ़ एनी अदर रेस्ट्रां ये क्या है ये गलत है ठीक है ये आपका गलत हो गया सेंटेंस ठीक है सो अब रिपीटेशन आप अवॉइड कर रहे हैं तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे उसकी जगह अगर आपको सिंगुलर है नाउन अगर क्या है सिंगुलर है सो दैट ऑफ का आप यूज करेंगे ठीक है और अगर प्लूरल है अगर प्लूरल है सो so, दो उसका आप यूज करेंगे आपको देखना है कि आपका बेस जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है क्वेश्चन पर आ जाते हैं डिशेस जो है वो बेस है सब्जेक्ट आपका क्या है रेस्टोरेंट है उसका बेस क्या है डिशेस। सो so, ये सिंगुलर है या प्लूरल है सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा ठीक है so, सो आपका ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा डिश वर्ड जो है ये क्या है प्लूरल है ठीक है सो प्लूरल केस में आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे प्लूरल के केस में दोज ऑफ ठीक है सिंगुलर में था दाट ऑफ दोज ऑफ जो है प्लूरल के लिए सो so, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा जो करेक्ट आंसर होगा ठीक है वो क्या होगा जो करेक्ट आपका ये पूरा सेंटेंस ही हम लिख लेते हैं सो so, ये क्या होगा द डिशेज ऑफ आर रेस्ट्रां आर बेटर ठीक है सो एनी अदर से पहले आप लिखेंगे दोज ऑफ ठीक है एनी अदर से पहले आप लिखेंगे दोज ऑफ ठीक है सो देन दोज ऑफ फिर एनी अदर रेस्टोरेंट, ठीक है सो देखा आपने यहाँ पर दोज ऑफ यूज किया है क्योंकि डिशेज जो है क्या है आपका प्लूरल है ठीक है एंड एनी अदर का यूज किया गया है हमने आ, किया है हमने कंपेरेटिव केस में ठीक है so, सो यहाँ से जो है आपको रूल जो है समझ में आ गया होगा ठीक है सो so, सिंगुलर अगर आपका बेस है कंपैरिजन का बेस अगर आपका सिंगुलर है तो आप दैट ऑफ यूज़ करेंगे और अगर प्लूरल है तो दोज ऑफ का आप यूज़ करेंगे ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर आर बेटर दैन राजस्थान ठीक है सो so, यहाँ पर अब आप क्या करेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट आपका ये है राजस्थान आपका सब्जेक्ट टू है बट इसका बेस क्या है ये है ठीक है सो द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर आर बेटर देन दैट ऑफ आएगा या दोज ऑफ आएगा लैंडस्केप क्या है आपका प्लूरल है राइट सो प्लूरल केस में आप क्या लिखते हैं दोज ऑफ ठीक है देन दोज ऑफ अब राजस्थान जो है एक ही है राइट right? सो so, आप एनी अदर यहाँ पर यूज नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो जो सो द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर आर बेटर देन राजस्थान ठीक है अगर इसकी जगह कुछ और होता जो अपने आप में यूनिक ना हो या प्लूरल होता सो so, उस केस में आप यहाँ पर एनी अदर यूज करते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेदर ऑफ नाइट्स इज हार्श दान वेदर ऑफ डेज इन राजस्थान ठीक है सो वेदर ऑफ नाइट्स सब्जेक्ट वन डेज है आपका सब्जेक्ट टू इनका कंपैरिजन हो रहा है ठीक है सो यहां पर क्या होगा वेदर जो है आपका बेस है सो द वेदर ऑफ नाइट्स अब यहां पर इज आना चाहिए क्या नहीं क्या आएगा वेदर वर्ड देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है दैट इज़ सिंगुलर क्योंकि अनकाउंटेबल है वेदर को आप गिन नहीं सकते हैं सो इस जो है करेक्ट है ठीक है उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं द वेदर ऑफ़ नाइट्स इज़ हार्श दान वेदर ऑफ डेज ठीक है सो so हमने बोला था कि हम कभी भी बेस का रिपीटेशन नहीं करते हैं यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है बेस का हम रिपीटिशन कभी भी नहीं करते हैं ठीक है सो so यहाँ पर वेदर नहीं आएगा क्या आएगा दैट ऑफ आएगा या दो ऑफ आएगा वेदर क्या है सिंगुलर है राइट right? ये क्या है सिंगुलर सो सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करेंगे दैट ऑफ देट ऑफ ऑफ डेस एन राजस्थान ठीक है क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज

ठीक है कंपेरेटिव डिग्री है सो कंपेरेटिव डिग्री में आप ऑल द ट्रेन्स नहीं लिखेंगे सो एनी अदर ट्रेन्स नहीं होगा क्या होगा ट्रेन होगा ठीक है कंपेरेटिव डिग्री में आप नाउन को सिंगुलर में कन्वर्ट कन्वर्ट कर देंगे एंड एनी अदर लिखेंगे ऑल द ट्रेन्स गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमंड मोस्ट हार्डेस्ट मोस्ट हार्डेस्ट ठीक है दोनों क्या है सुपरलेटिव डिग्री है गलत हो जाएगा सो so, यहां पर आप वर्ड को ऑमिट नहीं कर सकते क्या लिख सकते हैं हम यहां से ये यह करेक्ट करेंगे सो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ ये करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीति इज मोर स्मार्टर दैन पंक्चुअल प्रीति इज मोर स्मार्टर दैन पंक्चुअल यहां पर क्वालिटी वन का कंपैरिजन हो रहा है दूसरी क्वालिटी के साथ सो so, आप क्या लिखेंगे मोर स्मार्टर नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे मोर स्मार्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंजन ऑफ माय कार इज स्ट्रांगर देन योर कार ठीक है सो क्या होगा द इंजन ऑफ माई कार कार आपका क्या है सब्जेक्ट है दूसरे पर्सन की कार क्या है आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया बट उसका बेस जो है जिस चीज को आप कंपेयर कर रहे हैं दैट इज द इंजन, राइट सो इंजन का यहां पर कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपका क्या है बेस बेस क्या है सिंगुलर सो सिंगुलर बेस के साथ आप क्या लिखते हैं दैट ऑफ ठीक है सो इज स्ट्रांगर दैन दैन दैट ऑफ Your car, ठीक है अब इस केस में मैंने एनी अदर नहीं लगाया है क्योंकि एक पर्सन की कार के साथ कंपैरिजन हो रहा है काफ़ी सारे आ, लोगों के कार के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है जब आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बेस के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तब उस केस में जो है आप ऑल द और एनी अदर का यूज़ करते हैं ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट है फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस अब इस सेंटेंस में आपको जो है एरर बताना है द ट्रेन इज गेटिंग स्लो एंड स्लोअर क्या है द ट्रेन इज गेटिंग स्लो एंड स्लोअर अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक रूल है और वो रूल क्या कहता है दैट इन द केस ऑफ प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन और रिग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब है जब कुछ प्रोग्रेस हो रही हो कुछ बढ़ रहा हो रेग्रेशन का मतलब क्या होता है जब कोई चीज घट रही हो ठीक है ठीक है so, सो उस केस में आप क्या करते हैं आप हमेशा कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे सो so, क्वेश्चन में आ जाते हैं द ट्रेन इज गेटिंग स्लो एंड स्लोअर नहीं होगा क्या होगा स्लोअर एंड स्लोअर एक और एग्जाम्पल जैसे कि हम इसका ले सकते हैं हिज मार्क्स एन एग्जाम्स आर गेटिंग लेसर एंड लेसर ठीक है सो लेसर एंड लेसर कंपेरेटिव डिग्री है और अगर आपको दूसरे वर्ड्स को यूज करना हो फॉर एग्जाम्पल अगली है सो so, uh, दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले हिज फेस इज गेटिंग फेस स्केटिंग मोर more एंड मोर दूसरों दूसरे वर्ड्स के लिए भी क्या हम ऐसा कर सकते हैं नहीं ठीक है इसको आप यूज नहीं करेंगे मोर वर्ड वाले जो आपकी कंपेरेटिव डिग्रीज हैं उनको जो है ये फॉलो नहीं करता है ठीक है सो रूल आपको समझ में आ गया है एक क्वेश्चन और uh, जो है आपका ये होमवर्क में है दो क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज द थर्म स्टार्ट ऑफ दिस रूम इज गेटिंग कोल्डेस्ट एंड कोल्ड ठीक है द मून इज गेटिंग क्लोज एंड क्लोजेस्ट टू द अर्थ एवरी ईयर ठीक है आई होप ये होमवर्क बहुत ही ईजी होगा और अब तक जितना मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल रिजॉल्व ऑल द डाउट्स ठीक है सो टिलन स्टेट एंड कनेक्टेड विथ सी ओ टी वाला नेक्स्ट सेशन में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे